नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सिकाफत में, यानी बात संस्कृति की। और आज हम बात करेंगे भारतीय संस्कृति में तुलसी के महत्व की। अमूमन तुलसी का पौधा हर घर में देखा जा सकता है और पौराणिक समय से ही हम हमारी भारतीय संस्कृति में तुलसी की पूजा के महत्व को देखते और सुनते आए हैं। कहते हैं जिस घर में तुलसी का वास होता है वहाँ सुख शांति और आर्थिक समृद्धता बनी रहती है। शायद ही भारत में कोई ऐसा होगा जो तुलसी के महत्व को नहीं जानता होगा। तो चलिए जानते हैं तुलसी के सांस्कृतिक, धार्मिक और आयुर्वेदिक महत्व को। घर के आंगन में विराजमान तुलसी सिर्फ पौधा नहीं है बल्कि इसमें हमारी धार्मिक भावनाएं भी जुड़ी हुई है। सदियों से आज तक हमारी भारतीय संस्कृति में तुलसी की पूजा शुभ मानी गई है। सुबह सुबह तुलसी पर जल चढ़ाकर पूजा अर्चना करने से घर में सुख शांति तो आती ही है, साथ ही पूरे घर का वातावरण भी शुद्ध हो जाता है, क्योंकि जहाँ भी तुलसी का पौधा होता है उसके आसपास ऑक्सीजन की मात्रा अधिक रहती है। हिंदू धर्म में कहा गया है कि तुलसी लगाने, सींचने और पूजने से मनुष्य के पापों का नाश होता है और इसे लक्ष्मी का भी स्वरूप माना जाता है। भगवान विष्णु को तुलसी इतनी प्रिय थी कि तुलसी को वे हरिप्रिया कहते थे। भारतीय संस्कृति में तुलसी के बिना कोई भी व्रत या पूजा अधूरी मानी जाती है और ये भी कहा जाता है कि तुलसी की पूजा करने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो आइए जानते हैं तुलसी के धार्मिक महत्व को। तुलसी का हमारे सनातन धर्म में ही नहीं बल्कि सनातन धर्म के अलावा अन्य धर्म और संप्रदाय के जो लोग हैं वो भी महत्व जानते हैं और उसके महत्व को प्रदान करते हैं। तुलसी अपने आप में एक ऐसी वनस्पति और धार्मिक पौध मानी जाती है जो जिस स्थान पर भी वह रोपित होती है या स्वयं उग जाती है, कहा जाता है कि उसके आसपास किसी भी प्रकार के जो संक्रमण कीटाणु होते हैं या जीव जंतु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का पौधा जहाँ होता है वहाँ पर वायु का शुद्धिकरण होता है और वायु के शुद्धिकरण के कारण मनुष्य के जीवन में उसे उसके लाभ प्राप्त होते हैं और जीवन में उसे सुख शांति मिलती है। धार्मिक महत्व देखा जाता है तो कहा जाता है कि जिस भी घर में तुलसी का वास होता है वहाँ पर उस घर में वास करने वाली सुहागन अर्थात सती स्त्री के रूप में जो होती है उसे सुख मिलता है और सुख से जीवन का यापन होता है। धार्मिक महत्व के अनुसार जब कभी तुलसी पर सुबह और शाम शुद्ध घी का या तेल का दीपक जहाँ निरंतर जलाया जाता है उस घर में दरिद्री नहीं होती है, उस घर में कलेश नहीं होता है और यहाँ तक कहा जाता है कि उस घर में देवताओं का वास होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवता बिना तुलसी पत्र के भोग स्वीकार नहीं करते हैं। वैसे तो साल भर तुलसी की पूजा की जाती है लेकिन कार्तिक मास में तुलसी को पूजने का विशेष महत्व होता है। इस महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुलसी का धूमधाम से विवाह उत्सव मनाया जाता है और इसके बाद से ही विवाह और मंगल कार्य शुरू हो जाते हैं। कहा जाता है कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में जब माता तुलसी का पूजन किया जाता है और विष्णु जी से शुभ विवाह किया जाता है तो वहाँ से एक परंपरा है कि जब तक आप शालिग्राम की पूजा करके उसके ऊपर तुलसी का दल नहीं चढ़ाएंगे अर्थात तुलसी को नहीं मिलाएंगे तब तक उसके पूजन का फल उन्हें प्राप्त नहीं होता है। और तुलसी और विष्णु के विवाह की परम्परा है, उसके पहले आप देखेंगे कि जो यह दक्षिणायन का काल होता है इस काल में शुभ विवाह और शुभ कर्म वर्जित होते हैं लेकिन जब तुलसी का विवाह होता है तो तुलसी विवाह के दिन से शुभ विवाह का कार्य आरंभ हो जाता है और वहाँ से सारे शुभताओं के फल धर्मशास्त्र के अनुसार गणना में लिए जाते हैं और शुभ विवाह के लिए देव उठनी एकादशी का पूजन किया जाता है। किंवदंतियां है कि जिस घर में तुलसी का पौधा लहलहा रहा हो वहाँ आकाशीय बिजली नहीं गिरती है। जिस जगह तुलसी का पौधा पाया जाता है वहाँ सांप बिच्छू जैसे जहरीले जीव भी नहीं आते हैं। तुलसी दो प्रकार की मानी गई है,
रामा तुलसी और श्यामा तुलसी। रामा तुलसी और श्यामा तुलसी के विषय में ऐसा कहा जाता है कि जिस किसी स्थान पर तुलसी का रोपण हो, विशेष रूप से यदि देखा जाए तो जहाँ पर श्यामा तुलसी लगी हो, श्यामा तुलसी के आसपास किसी भी प्रकार के जहरीले जीव जंतु जो होते हैं उनका वास नहीं होता। दृढ़ उदाहरण के रूप पर यदि हम देखें तो कहा जाता है कि जहाँ तुलसी श्यामा लगी हो उसके आसपास सर्पदोष, बिच्छू का दोष जिसे वृश्चिक दोष कहा जाता है, ऐसे दोष देने वाले जो जीव होते हैं वहाँ नहीं होते हैं। इसी प्रकार से रामा तुलसी जिस स्थान पर बहुतायत संख्या में लगी, देखिए यहाँ पर बहुतायत संख्या का प्रयोग किया जा रहा है जो होती है, तो उस स्थान पर मच्छर भी नहीं होते। तो इस प्रकार से जो वैशीले जीव जंतु जीवाणु और कीटाणु होते हैं वो रामा तुलसी और श्यामा तुलसी जिस स्थान पर हो वहाँ पर नहीं होते हैं। तुलसी के छोटे से पौधे का महत्व पुराणों में तो है ही, साथ ही इसका महत्व आज के आधुनिक जीवन में भी उतना ही गुणकारी है। तभी तो हर घर आंगन में तुलसी का पौधा जरूर दिखाई देता है। रोज पूजा करते हैं हम लोग तुलसी की, और घर में जो पुरुष हैं वो लोग सूर्य को अर्घ देते हैं और सूर्य का पूजन करते हैं। उसके बाद फिर घर की पूजा करके फिर जो दिनचर्या के कार्यक्रम होते हैं वो करते हैं। ऐसा मानते हैं कि तुलसी की पूजन करने से सुख समृद्धि आती है और सौभाग्य बढ़ता है, इसलिए हम लोग तुलसी का पूजन करते हैं। तो अभी हमने आपको तुलसी के धार्मिक महत्व को दिखाया और अब हम आपको बताएंगे तुलसी के औषधीय गुणों के बारे में। इसकी पत्तियां इतनी चमत्कारी होती है कि रोज 5 पत्तियां खाने मात्र से ही रोगों का नाश हो जाता है, इसलिए आयुर्वेद में तुलसी को संजीवनी कहा गया है। हर जगह आसानी से मिलने वाला तुलसी का पौधा देखने में जितना छोटा होता है उतनी ही उसकी पत्तियां गुणकारी और रोगों के लिए रामबाण होती है। तुलसी को हजारों वर्षों से रोगों के इलाज के लिए औषधि के रूप में इस्तेमाल किया गया है और आज भी आयुर्वेद की दवाइयों में तुलसी की जड़ से लेकर उसके हर भाग का इस्तेमाल किया जाता है। तुलसी का जो पौधा है वास्तव में बहुत ज़्यादा गुणकारी है। उसका अगर आप ले लो तो जो पंचांग होता है, फूल, पत्ती, तने, बीज, उसका सारा कुछ बहुत ज़्यादा प्रयोग में आता है। दवाइयों में भी इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है कि हम दवाई के तौर पे यूज़ करते हैं। इसके सिरप बहुत ज़्यादा बनकर आते हैं तो वो पीने से हमें सर्दी जुकाम और यहाँ तक कि अस्थमा के लिए उसके सिरप यूज़ होते हैं तो वो हमारा पूरा कंट्रोल में करता है। इसकी टैबलेट्स बनती हैं पत्तों के रस को निकाल कर या पत्तों से, तो वो बहुत ज़्यादा हमें इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए होती हैं। हमारे श्वास रोग, कांस रोग में बहुत ज़्यादा इसका फ़र्क पड़ जाता है। इसके अलावा जो त्वचा रोग होते हैं, जो एंटी एलर्जिक, जिसमें एलर्जी वाला काम होता है, वहाँ पे तुलसी का बना हुआ दवा लेने से वो एंटी एलर्जिक करके हमें वहाँ पे त्वचा रोगों में निजात दिलाता है। आपको नॉर्मल फंगल इन्फेक्शन अगर हो रहा है तो आप तुलसी के पत्तों को कूट कर उसका रस निकालिए और वहाँ पे रगड़िए, सुबह शाम तुलसी के पत्तों का रस लगाने से वो फंगल इन्फेक्शन खत्म हो जाता है। आपके आंगन में लगा तुलसी का ये छोटा सा पौधा अनेक बीमारियों के इलाज करने के लिए जाना जाता है और इसके नियमित सेवन से मनुष्य का इम्यूनिटी सिस्टम भी दुरुस्त रहता है। तुलसी किसी एक उम्र के लोगों के लिए फायदेमंद नहीं है, बल्कि इसका सेवन बच्चे, बूढ़े कोई भी कर सकते हैं और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। अगर आपको सर्दी जुकाम हो रहा है तो आप तुलसी की चाय बनाकर पीते हो, या घर पे मम्मी, दादी वगैरह हम लोगों की तुलसी के साथ छोटी जो है काली मिर्च के दाने हैं और पिपली का है, लेडी पीपल, उसके बीज को पीस कर फिर काढ़ा बना के दे देते हैं या दूध में पका के या हमें चाय में डाल के, तो वहाँ वो हमारा पूरा सर्दी जुकाम या थ्रॉट इन्फेक्शन जो होता है उसको ठीक करता है। छोटे छोटे बच्चों में है, अगर उनको पेट में दर्द मरोड़ होता है तो पिपली को घिसकर और उसको पिलाते हैं दूध के साथ, तो वो उनका पेट का मरोड़ ठीक हो जाता है। वो जो गैस वगैरह बनती है या मम्मी का दूध नहीं पचा पा रहे होते हैं तो वो उससे ठीक हो जाता है। भारतीय संस्कृति में तुलसी के धार्मिक महत्व के साथ उसके औषधीय गुणों के बारे में जानने के बाद अब हम आपको तुलसी पर आधारित नृत्य नाटिका दिखाएंगे जिसमें तुलसी की महिमा का वर्णन किया गया है। तुलसी की महिमा आज की नहीं बल्कि द्वापर युग के पहले से चली आ रही है। इतना ही नहीं, तुलसी स्तुति का ज्ञान हर शुभ कार्य में भी किया जाता है। तिन्दा रूपाश्च वृक्षाश्च यदैकत्र भवन्ति च विदुर्मुधास्तेन विन्दा मन्त्रियां ताम
भले ही राधा के साथ लिया जाता है, लेकिन उनका प्रेम अपनी रानियों के लिए भी कम नहीं था। कृष्ण रुक्मणी और सत्यभामा को बेपनाह प्रेम करते थे, लेकिन सत्यभामा रुक्मणी से ईर्ष्या करती थी। उसे अपने रूप और धन संपत्ति पर बहुत अभिमान था, इसीलिए कृष्ण सत्यभामा का अभिमान तोड़ने के लिए नारद मुनि के साथ मिलकर उनका घमंड तोड़ना चाहते थे और ये भी एहसास कराना चाहते थे कि कृष्ण की नज़र में सभी रानियाँ एक समान हैं।
नारायण नारायण, प्रणाम देवी सत्यभामा। प्रणाम मुनिवर। देवी, आप थोड़ी चिंतित लग रही हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है मुनिवर। समझा, मेरे शब्दों को अन्यथा न ले देवी, किंतु पूरे नगर में ऐसी चर्चा है कि वासुदेव आपसे अधिक रानी रुक्मणी से प्रेम करते हैं। ये क्या कह रहे हैं नारद? किसने कहा आपसे यह? हर द्वारका वासी उनके प्रेम की चर्चा कर रहा है देवी, किंतु आप उनसे कहीं ज्यादा सौंदर्यवान हैं, आकर्षक हैं। क्योंकि आप सबसे छोटी रानी हैं, इसलिए आपको नहीं लगता कि आप उनके अधिक स्नेह के योग्य हैं? देवर्षि, उनके समीप जाने के लिए मुझे क्या उपाय करना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन दें। नारायण नारायण, देवी इसीलिए तो मैं आया हूँ। मेरे पास उचित योजना है जिसके द्वारा कृष्ण आपके पास वापस लौट आएंगे। एक अनुष्ठान करें देवी, जिसके अंत में आप उनसे एक वचन लें कि वे मेरे अधीन रहेंगे। निस्दिन देखूं जिसके सपने, खो बैठूं वो प्रियतम अपने। आप नहीं समझी देवी, कैसा खोना, उनके बराबर तौल कर सोना, मोल ब्राह्मण को दे देना, मोहन को वापस ले लेना। किंतु नारद, यदि मैंने अपने स्वामी को आपको दान दिया तो मैं उनके मन में कैसे स्थान प्राप्त करूंगी? जैसे सिद्धि प्राप्त करने के लिए तपस्या करनी पड़ती है, वैसे ही मन की इच्छा पूर्ण करने के लिए अपनी सबसे प्रिय वस्तु का त्याग तो करना पड़ता है देवी। भगवती उमा ने भी मेरी बात मानकर भोलेनाथ को दान कर दिया था। माता अदिति ने भी मनोकामना पूर्ण करने के लिए अपने पति महर्षि कश्यप का दान कर दिया था। ये तो कल्याणकारी दान की परंपरा है देवी। नारायण नारायण। बस इतना ही? आप करें व्रत की तैयारी, भामा जीती रुक्मणी हारी। परंतु कृष्ण हैं भारी कितने, क्या आपके पास हैं आभूषण इतने?